जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। तो आज हम जानने वाले हैं वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री अम्रपाली और भिक्षुक की रोचक कहानी। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध अपने प्रवास में वैशाली आए थे। कहते हैं कि उनके साथ 10,000 शिष्य हमेशा रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही अम्रपाली का महल था। वह वैशाली सबसे सुंदर स्त्री और नरवधु थी। वह वैशाली राजा राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। अम्रपाली उस भिक्षुक को देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन राजा राजकुमारों को देखती थी, पर एकमात्र भिक्षा पात्र लिए हुए उस भिक्षुक में उसे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वह अपने परकोट से भागे चली आई और भिक्षुक से बोली, आइए कृपया मेरा दान ग्रहण कीजिए। उस भिक्षुक के पीछे कई सारे भिक्षुक थे। उन सभी के आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब युवक अम्रपाली के भवन में भिक्षा लेने के लिए गया। वह सब भिक्षुक ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। भिक्षा देने के बाद अम्रपाली ने युवक से कहा, 3 महीनों बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस अवधि में मेरे साथ इस महल में रहे। भिक्षुक ने अम्रपाली से कहा, मुझे इसके लिए मेरे स्वामी तथागत भगवान बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। यदि वे अनुमति देते हैं तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। उस भिक्षुक के बाहर निकलने पर अन्य भिक्षुओं ने उससे बात की। उसने अम्रपाली के निवेदन के बारे में भिक्षुओं को बताया। यह सुनकर सभी भिक्षुक बड़े क्रोधित हुए। वह तो एक दिन के लिए ही इतने ईर्ष्यालु हो गए थे और यहाँ तो पूरे 4 महीनों की योजना बन रही थी। युवक भिक्षुक के बुद्ध के पास पहुँचने से पहले ही कई भिक्षुक वहाँ पहुँच गए और उन्होंने यह वृत्तांत भगवान बुद्ध को बड़ा चढ़ाकर सुनाया। वह स्त्री एक वैश्या है और एक भिक्षुक 4 महीने तक वहाँ कैसे रह सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसे आने दो। अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह तभी रुकेगा जब मैं उसे अनुमति दूंगा। वह युवक भगवान बुद्ध के पास आया। उसने भगवान बुद्ध के चरण में सारी बात रख दी। अम्रपाली यहाँ की नरवधु है, उसने मुझे चातुर्मास में अपने महल में रहने के लिए कहा है। सारे भिक्षु किसी न किसी घर में रहेंगे। मैंने अम्रपाली से कहा कि मैं आपके अनुमति लेने के बाद वहाँ पर रह सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने उस भिक्षुक के आंखों में देखा और उसे कहा, तुम वहाँ रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात पहुँचा। वे इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि भगवान बुद्ध ने एक शिष्य को एक वैश्या के घर में 4 मास तक रहने की अनुमति दे दी। 3 दिनों के बाद युवक अम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें भगवान बुद्ध को सुनाने लगे। सारे शहर में एक ही चर्चा हो रही थी कि एक युवक भिक्षुक अम्रपाली के महल में 4 महीने तक रहेगा। भगवान बुद्ध ने उन चर्चा करने वाले भिक्षुओं से कहा, तुम सब अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं है। यदि मैं उसे अनुमति नहीं भी देता तो उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी है। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका धम्म अटल है तो अम्रपाली उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। अगर यदि उसका धम्म निर्बल है तो वह अम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो भिक्षु के लिए परीक्षण का समय है। बस 4 महीने तक प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। उसमें से कई भिक्षुओं को भगवान बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, वे उस पर नाहक और इतना भरोसा करते हैं। अभी भिक्षु युवक है और वह अम्रपाली भी बहुत सुंदर है। वे भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते, यह भिक्षुओं को लगा। 4 महीनों बाद युवक भिक्षुक विहार लौट आया और उसके पीछे पीछे अम्रपाली भी भगवान बुद्ध के पास आई। अम्रपाली ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं भिक्षुनी संघ में प्रवेश लेना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अम्रपाली ने भगवान बुद्ध से कहा, मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने का संभव प्रयास किया, लेकिन मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश किया कि आपके चरणों में ही सत्य है और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। अम्रपाली के महल को और उपवनों को चातुर्मास में सभी भिक्षुओं को रहने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। अम्रपाली भगवान बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुओं में शामिल हो गई।
तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें, और साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से, तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।